अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स। चैप्टर नंबर सिक्स का नेम है टेबल एंड क्यूरीज। इस चैप्टर में जिस चीज़ पे हमने फोकस करना है वो है टेबल्स पे, टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ पे, टेबल्स की जो फील्ड्स हैं उनकी डेटा टाइप्स पे, फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ पे। और इसके अलावा इसके बाद हम देखेंगे कि क्यूरीज क्या है और क्यूरीज को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टेबल्स। व्हाट इज़ अ टेबल? डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेबल। टेबल क्या होता है और टेबल के बेसिक पार्ट्स कौन से हैं? टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस। गर्ल्स, चैप्टर नंबर 5 के एंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो 5 थे, जिनमें टेबल्स सबसे इम्पॉर्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। टेबल क्यों इम्पॉर्टेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट है? बिकॉज RDBMS का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो टेबल्स है। RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशंस स्टैंड्स फॉर टेबल। हर चीज़ डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, और जब आप क्यूरी भी अप्लाई करती हैं तो जो डेटा आपके पास रिट्रीव होकर आता है वो टेबल की फॉर्म में आता है। सो टेबल इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रिलेशनल डेटाबेसेस। All the data in a relational database is stored in tables. As I have told you, कि हर डेटा को हम रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। टेबल का दूसरा नाम, टेबल को हम रिलेशन भी कह सकते हैं। अब आप टेबल की एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसके 3 कॉलम्स हैं, और रोज कितनी है इसकी, जितने इसमें डेटा एंटर हुआ हुआ है वो भी 3 हैं। कॉलम्स देखें आप, रजिस्ट्रेशन नंबर का फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम इज़ ऑफ नेम एंड थर्ड कॉलम इज़ ऑफ क्लास। रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है नदीम खलील, और MSc उसकी क्लास है। 20 रजिस्ट्रेशन नंबर मोहम्मद उस्मान का है और उनकी क्लास है BSc। 30 रजिस्ट्रेशन नंबर नुमान कदीर का है और उनकी जो क्लास है दैट इज़ FSc। तो ये एक टेबल है। टेबल का एक यूनिक नेम होता है। लेट्स से हम इस टेबल को नेम देते हैं स्टूडेंट का। इसके अंदर एक प्राइमरी की का होना मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि हम इस चीज़ को इंश्योर करवाना चाहते हैं कि डेटा रिपीट ना हो, आपके टेबल में रिडंडेंसी ना हो। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे 3 रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हैं। नेम्स सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सेम 2 स्टूडेंट्स के सेम नेम हो सकते हैं, उनकी क्लास भी सेम हो सकती है, बट रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का भी सेम नहीं हो सकता। तो हम किसी एक फील्ड को प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं ताकि रिडंडेंसी ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, डुप्लीकेट डाटा आपके टेबल में मौजूद ना हो। मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ टेबल, कि टेबल के कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। टेबल के बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट इज़ फील्ड और एट्रीब्यूट, नंबर सेकेंड इज़ रिकॉर्ड और रो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फील्ड और एट्रीब्यूट। फील्ड या एट्रीब्यूट एक ही वर्ड, एक ही इनके मीनिंग है। आप फील्ड यूज़ करें इसका नेम, या इसको आप एज एन एट्रीब्यूट इसका नेम यूज़ करें। होता क्या है ये? अ फील्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स। अ फील्ड इज़ आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट इन रिलेशनल डेटाबेस। एन एट्रीब्यूट इज़ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन। अगर आप ऊपर वाले टेबल की एग्जाम्पल देखें तो एक फील्ड का नेम है नेम। इसका मतलब है कि इसके अंडर आप नेम्स लिख रही होंगी। अगर आपका स्टूडेंट का टेबल है तो आप स्टूडेंट के नेम्स लिख रही होंगी। तो इनको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, क्योंकि नेम क्या है? उस स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है। रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है। सिमिलरली क्लास स्टूडेंट की एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है। इसको देख के आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट किस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ईच फील्ड इन अ टेबल हैज़ अ यूनिक नेम एंड प्री डिफाइंड डेटा टाइप। टेबल के जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनका नेम यूनिक होना चाहिए। किसी 2 कॉलम्स का आप नेम सेम नहीं दे सकती। आप नेम के नेम से 2 कॉलम्स नहीं यूज़ कर सकती। सिमिलरली आप क्लास के नेम से 2 कॉलम्स का नेम नहीं रख सकती। हो सकता है कि आप नेम सेम रखें और डेटा डिफरेंट रखें, बट ये अलाउड नहीं है। आप नेम सेम नहीं रख सकती। हर फील्ड का नेम यूनिक होना ज़रूरी है। ईच फील्ड मे कॉन्टेन
certain default value. डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र कुछ नहीं एंटर करता तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी. लेट से मैं टेबल में डाटा को फिलअप कर रही हूँ और मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है कि क्लास हमेशा बी एस सी होगी. तो अगर मैं डाटा को नहीं भी एंटर करती तो वो बी एस सी को ले लेगा और उसी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा. फॉलोइंग आर थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड. अगर आप ऊपर वाले टेबल को देखें, स्टूडेंट के टेबल को, तो ये फील्ड के एग्जांपल है. जैसा ये 20 है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखें 20, नेम मोहम्मद उस्मान और क्लास है आपका बीएससी. सो व्हाट इज़ फील्ड? ये जो कॉलम का आपका डाटा है ये फील्ड होगी. मूविंग टूवर्ड्स रिकॉर्ड. रिकॉर्ड और रो. अ रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड. जिस तरह मैंने अभी आपको ये बताया कि 20, मोहम्मद उस्मान और बीएससी फील्ड्स हैं. आप कोई भी वैल्यू पिकअप कर लें, 30 ले लें, मोहम्मद उस्मान या एमएससी ले लें. मैंने अभी डिफरेंट रोज़ की डाटा को लिया है. लेकिन अगर मैं एक ही पर्टिकुलर स्टूडेंट की पूरी रो को पिकअप कर रही हूँ, उसके तमाम फील्ड्स की कलेक्शन को ले रही हूँ, तो दैट वुड बी रिकॉर्ड और अ रो. एज यू कैन सी, अ रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. मतलब एक स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उसके कलेक्शन को हम रिकॉर्ड कहेंगे या रो कहेंगे. इसको टपल भी कहते हैं. रिकॉर्ड को हम रो भी कह सकते हैं और टपल भी कह सकते हैं. इन द अबव फिगर द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट रो. एज यू कैन सी कि रजिस्ट्रेशन नंबर 10 फर्स्ट रो को देखने से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर 10 नदीम की इंफॉर्मेशन मिल रही है. सिमिलरली रो नंबर 3 को देखने से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर 30 नोमान की इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो एक रिकॉर्ड को, एक रो को देखने से हमें उस पर्टिकुलर पर्सन के, पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल स्टोर्स डाटा अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अगर आप देखें तो 3 रोज हैं और 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है. इसका मतलब है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड और रो दे रहा है. फॉलोइंग आर 2 एग्जांपल्स ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल. 10 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले स्टूडेंट और 20 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन को जब आप देखें तो दैट वुड बी अ रिकॉर्ड. सो बेसिकली अभी हमने देखा है कि बेसिकली टेबल क्या होता है. टेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है. इसकी 2 मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, फील्ड्स और रोज. फील्ड्स को हम कॉलम्स कह सकते हैं और रोज एज यू नो कि कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड फील्ड. अगर आप पूरी एक रो को ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल, दैट वुड बी रो. ओके, डिस्कस डिफरेंट क्राइटेरिस्टिक ऑफ अ टेबल रिलेशन. आल्सो डिफाइन डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन. हमें ये देखना है कि टेबल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, टेबल की क्राइटेरिस्टिक्स क्या होती हैं. इसके अलावा डिग्री और कार्डिनलिटी कह रहे हैं, अगर हम इन टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं तो इनका मतलब क्या होगा. क्राइटेरिस्टिक ऑफ टेबल, टेबल की प्रॉपर्टीज़ क्या है. ईच फील्ड ऑफ अ टेबल कंटेन ओनली वन वैल्यू. अगर आपने अपने कॉलम का नेम रखा है रजिस्ट्रेशन नंबर और आप पहली रो में डाटा एंटर कर रही हैं, तो आप किसी भी 2 स्टूडेंट का डाटा एंटर नहीं कर सकती. आप 2 रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे सकती. लेट्स से मैं आपको पिछले एग्जांपल में बताती हूँ. अगर आप यहाँ पे 10, 20 लिख दें तो ये आप ऐसा नहीं कर सकती. हर फील्ड में जो आप डाटा लिखेंगी That would be a single value. That should be atomic. वो just single value, one value होनी चाहिए. Point number 2. Each column has a distinct name. Distinct का मतलब होगा unique. हर column को आपने एक unique name देना है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी 2 column को एक ही जैसा नाम दे दिया हो. अगर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों का कॉलम रखना है तो आपको F_name, L_name या फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल लिखना होगा. आप जस्ट नेम के नेम से 2 कॉलम्स
नहीं टेबल में बना सकती, दैट इज़ नॉट अलाउड. द ऑर्डर ऑफ अ कॉलम्स इज इमटीरियल. इसका मतलब है कि जिस ऑर्डर में आप कॉलम्स को रख रही हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट डजेंट मैटर. आप अगर फर्स्ट नेम रख रही हैं देन फ़ोन नंबर लिख दें और लास्ट नेम उसके बाद लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट डजेंट मैटर. ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड. हर रो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर पर्सन के रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को. ईच रो इज़ डिस्टिंक्ट, देर आर नो डुप्लीकेट रोज. प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि टेबल में हम कभी भी सेम डाटा को एंटर नहीं कर सकते, डाटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता इन रोज. इसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि आपके टेबल में प्राइमरी की मौजूद हो, ताकि प्राइमरी की इस चीज़ को खुद ही देख लेगी कि कोई डाटा आप डुप्लीकेट तो नहीं कर रहे, कोई दो रोज ऐसी तो नहीं है जो बिल्कुल एक जैसी हों. द ऑर्डर ऑफ रोज इज़ इमटीरियल. जिस तरह कॉलम का ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसी तरह रो का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेबल. हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉलम्स की टर्म में देखी और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने रोज की टर्म में भी देख ली है. द डाटा ऑफ ईच एंटिटी इज़ स्टोर्ड इन अ सेपरेट टेबल. हर एंटिटी का जो डाटा है वो एक सेपरेट टेबल में स्टोर होता है. लेट्स से आपने स्टूडेंट का एक टेबल बनाया है, तो इसका मतलब है कि उसमें स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी. अगर आपने फैकल्टी के नाम से एक टेबल बनाया है तो इसका मतलब है कि उसमें फैकल्टी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेबल है उसमें आप स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही हो और फैकल्टी की भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही हो. The data is stored only once. आपने अपने टेबल को जब बनाया और अपने टेबल को सेव कर लिया तो उसके बाद आप अपने डाटा को चेंज नहीं कर सकती इन द टर्म्स ऑफ डाटा टाइप, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ या फील्ड की वैल्यूज़ के हिसाब से. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेव करने से पहले इन चीज़ों के बारे में मेक श्योर हो कि आपने अपने टेबल की जो फील्ड है उनकी डाटा टाइप क्या रखनी है, उनकी फील्ड की फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ क्या रखनी है. अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स डिग्री ऑफ अ रिलेशन एंड कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन. कि डिग्री ऑफ अ रिलेशन क्या होता है और कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन किसे कहते हैं. द नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ रिलेशन. जितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी रिलेशन में, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ रिलेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो एक टेबल में जितनी फील्ड्स होंगी दैट वुड कॉल द डिग्री ऑफ अ रिलेशन. द डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज़ यूजुअली नॉट चेंज ऑन वंस द टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड. जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपने अगर अपने टेबल को क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद आप अपने टेबल में न्यू फील्ड एंटर नहीं कर सकती, आप उसकी डिग्री को चेंज नहीं कर सकती. अ रिलेशन विद फाइव फील्ड्स हैव अ डिग्री ऑफ फाइव. अगर एक रिलेशन है और उसकी फाइव फील्ड्स हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसकी डिग्री होगी फाइव. मूविंग टूवर्ड्स द कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन. कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन क्या होती है. द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टपल्स इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन. जिसका मैंने आपको बताया कि टेबल की दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट वॉज द फील्ड एंड सेकेंड पार्ट वॉज रिकॉर्ड. तो जितने नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी that would be called the degree of a relation, or jitne number of rows honge that would be called the cardinality of a relation. The cardinality of a relation changes as a new record are added or existing record are deleted. Cardinality badalti rehti hai. Cardinality kaise badalti rehti hai, let's say aapne table create kar liya, ab aap usme field to nahi enter kar sakti, lekin आप उसमें न्यू डाटा को एंटर कर सकती हैं, न्यू रो को एंटर कर सकती हैं. इसी तरह आप किसी एग्जिस्टिंग रो को डिलीट कर सकती हैं. सो यू कैन चेंज द डिग्री, यू कैन चेंज द कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन, बट यू कैन नॉट चेंज द डिग्री ऑफ अ रिलेशन आफ्टर क्रिएटिंग अ रिलेशन एंड सेविंग द रिलेशन. अ रिलेशन विद 50 रिकॉर्ड्स हैव अ कार्डिनैलिटी ऑफ 50. अगर एक रिलेशन है और उसमें आपने 50 रिकॉर्ड्स को एंटर किया है तो इसका मतलब है कि उसकी कार्डिनैलिटी होगी 50. मतलब उसमें आपने 50 रोज को एंटर किया है तो उसकी कार्डिनैलिटी 50 होगी. और अगर उसमें 5 कॉलम्स हैं, लाइक लेट्स से रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और स्टेटस है अगर इनका पास या फेल का, तो इसका मतलब है कि उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री होगी 5.
सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिलेशंस. अब हम लोगों ने देखना है कि टेबल व्यूज़ कौन किसे अवेलेबल होते हैं एक्सेस में और आप उनमें किस तरह से स्विच करती हैं. दो तरह के व्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं MS Access में. नंबर वन इज़ डिज़ाइन व्यू एंड नंबर टू इज़ डाटा शीट व्यू. हर व्यू का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है जो कि जिसके थ्रू आप काम करती हैं. तो फिर आप टेबल क्रिएट कर लेती हैं, आपका टेबल क्रिएट हो जाता है MS Access पे. सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन व्यू को. द टेबल व्यू दैट इज़ यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल इज़ कॉल्ड द डिज़ाइन व्यू. ऐसा व्यू जिसके थ्रू आप किसी टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं उसे हम कहते हैं डिज़ाइन व्यू. It is used to specify name, data type and description of field. इसमें हम किन चीज़ों को specify करते हैं? आपके field का name क्या होगा, जैसे registration number आपके field का name हो सकता है. उसकी data type क्या होगी, मतलब उसमें आप numbers enter कर रही होंगी, आप उसमें text को enter कर रही होंगी, date को enter कर रही होंगी, कोई currency enter कर रही होंगी, वो आप बताते हैं. इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन भी देती हैं अपनी फील्ड की कि आपकी फील्ड में आपने अगर कोई कमेंट लिखना है तो वो क्या होगा. सो दिस इज़ डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू में आप अपने टेबल का एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट बना देती हैं. प्राइमरी की इज़ आल्सो स्पेसिफाइड इन दिस व्यू. आपने अपनी टेबल का जो प्राइमरी की रखनी होती है आप उसको भी इधर ही स्पेसिफाई करती हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल कैन आल्सो बी चेंज इन अ डिज़ाइन व्यू. अगर आपने अपने टेबल के स्ट्रक्चर को बदलना हो, चेंज करना हो, तो वो काम भी आप डिज़ाइन व्यू में करती हैं. सो बेसिकली डिज़ाइन व्यू का क्या पर्पज़ हुआ कि आपने अपने टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेना है कि मेरे टेबल के कितनी फील्ड्स होंगी, उनका नेम्स क्या होंगी, उनकी डेटा टाइप क्या होगी, मतलब आपने उसमें किस तरह के डेटा को एंटर करना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिज़ाइन व्यू. मूविंग टूवर्ड्स डेटा शीट व्यू. आपने अपने डाटा का स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब उस टेबल के अंदर, सॉरी, आपने अपने टेबल का स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब उस टेबल में इंफॉर्मेशन को एंटर करने, डाटा को एंटर आप किस व्यू में करेंगे? डाटा शीट व्यू के थ्रू आप उसके अंदर डाटा को एंटर करेंगे. इट इज़ यूज टू एंटर, डिलीट और मॉडिफाई डाटा. याद रखिए गर्ल्स, हम फील्ड को, फील्ड के नेम को, फील्ड के डाटा टाइप को चेंज नहीं कर रहे, हम फील्ड के अंदर मौजूद डाटा को एंटर करेंगे, डिलीट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे इन डाटा शीट व्यू. द टेबल इन दिस व्यू इज डिस्प्लेड इन रोज एंड कॉलम्स. इस फॉर्म में जब हम टेबल को देखते हैं तो आपको रोज एंड कॉलम्स नज़र आती हैं टेबल की. द नेम ऑफ ईच फील्ड इज डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द कॉलम एज अ हेडर. हर कॉलम का जो नेम होगा वो एज अ हेडर उस टेबल के ऊपर आएगा. And each row contains a complete record. और हम जब एक row को देखेंगे तो हमें एक particular object, एक particular student या किसी भी person जिससे related हम information को enter कर रहे हैं उसके record का पता चल जाएगा. मैं आपको अभी थोड़ी देर में MS Access पे दोनों views दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम इसमें information को enter कर रहे हैं और table को create करेंगे. The table or query is opened in data sheet view to perform different operations on the table in ऑन द डाटा इन द टेबल. जब भी आपने अपने टेबल में मौजूद डाटा पे किसी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लेट्स से आपने एडिशन करनी हो, डिलीशन करनी हो, अपडेट करना हो अपने डाटा को, या किसी डाटा को सर्च करना हो, तो वो काम भी आप किस व्यू में कर रही होती हैं? डाटा शीट व्यू. इट मीन्स कि आपने स्ट्रक्चर बना लिया डिज़ाइन व्यू में, बट अब उस स्ट्रक्चर में उस डाटा को आपने क्या करना है, ये काम आप सब करेंगे इन डाटा शीट व्यू. ओके, ये डाटा शीट व्यू की यहाँ पे आपको एक इमेज अवेलेबल है. आप ये देख सकती हैं कि जो हेडर है कॉलम का वो टॉप पर आ रहा है और उसका डाटा उसके नीचे आ रहा है. स्विचिंग बिटवीन व्यूज़. अगर आपने डिज़ाइन व्यू से डाटा शीट व्यू पे जाना हो या डाटा शीट व्यू से वापस डिज़ाइन व्यू पे आना हो तो वो काम आप कैसे करेंगी? आपके पास एक व्यू का मेन्यू अवेलेबल होगा, उसमें आपने जाके जिस भी आप व्यू को सिलेक्ट कर रही हैं, लेट्स से आप डिज़ाइन व्यू पर हैं, तो आप अगर सेलेक्ट करेंगे डाटा शीट व्यू को तो आप डाटा शीट व्यू पे आ जाएंगे. इससे मैं लड़ लिया, अगर आप डाटा शीट व्यू पे हैं तो उधर से अगर आप डिज़ाइन व्यू को सेलेक्ट करेंगे तो आप डिज़ाइन व्यू पे आ जाएंगे. तो इस तरह से आप स्विच करेंगे बिटवीन डिफरेंट व्यूज. एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अ टेबल इन एक्सेस.
एक टेबल को एक्सेस में क्रिएट करने का प्रोसीजर क्या है, हमें आज वो देखना है। टेबल इज़ क्रिएटेड इन अ डेटाबेस, इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, हम तीन वे में इस काम को कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू, हम डिज़ाइन व्यू में टेबल को क्रिएट करें। क्रिएटिंग टेबल बाय विजर्ड एंड क्रिएटिंग टेबल बाय एंटरिंग डाटा। आज जिसे हम देख रहे होंगे, जिसमें हम फोकस करेंगे, दैट वुड बी क्रिएटिंग टेबल इन अ डिज़ाइन व्यू, कि अगर हमने डिज़ाइन व्यू के थ्रू टेबल को क्रिएट करना है, यहाँ डेटा शीट व्यू की बात नहीं हो रही, डिज़ाइन व्यू के थ्रू अगर आपने टेबल को क्रिएट करना है तो वो काम आप कैसे करेंगी। डिज़ाइन व्यू के लिए आपको सबसे पहले तो एक ब्लैंक डेटाबेस को ओपन अप करना होगा। जब आप एक ब्लैंक डेटाबेस को ओपन अप कर लेंगी, उसको नेम दे देंगी, तो वो आपके पास जब सामने खुलकर आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा, तो आपने डिज़ाइन व्यू पे जाना है और डिज़ाइन व्यू पे जाके आपने अपने फील्ड्स को नेम देने स्टार्ट करने हैं। टाइप द नेम ऑफ द फर्स्ट फील्ड इन फील्ड नेम कॉलम्स। लेट्स से मैंने पहले फील्ड का जो नेम रखा उसको मैं फील्ड नेम के कॉलम में एंटर करूँगी। इसके बाद जो दूसरा मेरे पास इसमें बेसिकली तीन तरह की इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगता है, फील्ड नेम की, डेटा टाइप की और डिस्क्रिप्शन की। आपने अपने फील्ड को नेम देना है, उसको डेटा टाइप देनी है कि उसमें किस किस्म का डाटा स्टोर्ड होगा, और उसको फिर डिस्क्राइब करना है, कोई कमेंट या उसकी कोई डिस्क्रिप्शन जो आप देना चाहती हो वो आप थर्ड में देंगी। इसके बाद जब आप सेव के बटन को प्रेस करेंगी तो आपकी टेबल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसमें जितनी फील्ड्स हैं वो आपके पास विजिबल हो जाएंगी। तो इस तरह से आप डिज़ाइन व्यू के थ्रू अपनी टेबल को क्रिएट कर सकती हैं। प्राइमरी की को अगर आपने किसी कॉलम को सेट करना हो, बिकॉज हमने ये बात बार बार रिपीट करते हैं इसको, कि हमें इस चीज़ को इंश्योर करवाने के लिए कि आपके टेबल में कोई भी डाटा रिपीट ना हो, हम किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं, किसी एक फील्ड को प्राइमरी की बना देते हैं, जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि डाटा रिपीट ना हो। क्योंकि प्राइमरी की डिक्लेयर करने का मकसद ये है कि डाटा यूनिक होगा, तो यूनिक होगा तो ऑफ कोर्स डाटा डुप्लीकेट नहीं होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्राइमरी की को सेटअप करते हैं, अभी मैं आपको एक प्रोसीजर शो करके बताऊंगी। और इसके बाद एंड पे जब आपने अपने टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया, उसमें किसी एक फील्ड को आपने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, एंड उसके बाद आप अपने टेबल को सेव कर लेती हैं, तो वो आपके डेटाबेस में जाके सेव टेबल सेव हो जाता है। ओके गर्ल्स, अब मैं आप लोगों के साथ एमएस एक्सेस की स्क्रीन शेयर करूंगी, जिस पे हम एमएस एक्सेस के काम को करेंगे। ओके, सो एमएस एक्सेस की स्क्रीन आप सबके सामने है। इसमें आप देख सकती हैं कि इस डेटाबेस का नाम है डेटाबेस 3 और एक्सटेंशन है इसकी .accdb। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड पे जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाती हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .doc, इसी तरह जब आप डेटाबेस पे जब डेटाबेस क्रिएट करती हैं तो उसके जो फाइल आपके कंप्यूटर में बनती है उसकी एक्सटेंशन होती है .accdb। आज मैंने आपको बताना है कि हम टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं इन डिज़ाइन व्यू। रिमेंबर, हम देख रहे हैं कि हमने डिज़ाइन व्यू में किस तरह से टेबल को क्रिएट करना है। जो आपके पास इंटरफेस अवेलेबल है, जो आपको इस वक्त शो हो रही है, दैट इज़ डेटा शीट व्यू। इसके थ्रू हमने टेबल को नहीं क्रिएट करना, हमने क्रिएट करना है थ्रू डिज़ाइन व्यू। यहाँ पर आपके पास फील्ड्स के टैब में आप देख सकती हैं कि ये व्यू लिखा हुआ है। सबसे पहले इस व्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू को जब आप क्लिक करेंगी तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के व्यू आ रहे हैं, एक डेटा शीट व्यू एंड सेकंड वन इज़ डिज़ाइन व्यू। आपने डिज़ाइन व्यू को क्लिक करना है। उससे पहले वो आपको कह रहा है कि जिस टेबल की आप डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं उस टेबल को आप कोई भी नेम दे दें। लेट्स से मैं अपने टेबल को नेम देना चाहती हूँ स्टूडेंट। ओके, तो अब ये टेबल क्रिएट हो गया है स्टूडेंट के नाम से। और देखें, जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया था डेटा शीट व्यू को, सॉरी डिज़ाइन व्यू को, तो आपके पास डिज़ाइन व्यू सामने अपीयर हो गई है आपके। मैंने आपको बताया था ये आपसे तीन तरह की इन्फॉर्मेशन लेता है,
एक फील्ड नेम, एक डेटा टाइप और एक डिस्क्रिप्शन। आप अपने फील्ड को कोई नेम दे सकती हैं। लेट्स से मैं स्टूडेंट की रेज नंबर, सबसे पहले फील्ड नंबर, फील्ड नेम इसको देती हूँ। इसकी डेटा टाइप को मैं मेंशन कर देती हूँ ऑटो नंबर। ऑटो नंबर से क्या होगा गर्ल्स कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसको ऑटोमेटिकली नंबर देना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो, आप अपनी तरफ से कोई स्पेसिफाई करें, तो आप इसको ऑटो नंबर नहीं देंगी, आप जस्ट इसको नंबर देंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकती हैं। लेट्स से ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको टेबल पे विजिबल नहीं होगी, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शनल है, इसको आप ना भी एंटर करें तो डजेंट मैटर। इसके बाद मैं सेकंड फील्ड का नेम देना चाहती हूँ, फर्स्ट नेम, मतलब स्टूडेंट का फर्स्ट नेम। इसकी डेटा टाइप ऑफ कोर्स टेक्स्ट होगी। क्यों टेक्स्ट होगी? क्योंकि मैं यूज़र का नेम देना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट का। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगी लॉन्ग टेक्स्ट को, ताकि अगर किसी का बड़ा नेम भी हो, लॉन्ग भी हो, तो भी कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए उसको एंटर करते हुए। अब लास्ट नेम दूंगी मैं नेक्स्ट फील्ड का नेम, और उसकी भी मैं डेटा टाइप को मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, लॉन्ग टेक्स्ट। देन लेट्स सी, मैंने नंबर दे दिया, फील्ड का नेम दे दिया, फ़ोन नंबर। अब इसकी डेटा टाइप गर्ल्स नंबर होगी। क्यों नंबर होगी? क्योंकि फ़ोन नंबर इज़ ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ नंबर। इसके बाद लेट्स से फील्ड नेम दिया है मैंने क्लास का, कि किस क्लास से वो बिलोंग करता है, तो ये भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा, बिकॉज शॉर्ट टेक्स्ट वुड बी इनफ। इसके अलावा मैं एक और फील्ड का नेम दे सकती हूँ, लेट्स से मैरिटल स्टेटस। येस फॉर मैरिड, नो फॉर अनमैरिड। तो यहाँ से मैं येस और नो को सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सैलरी का एक फील्ड नेम देती हूँ, तो इसकी मैं डेटा टाइप रखूँगी करेंसी। यहाँ पे आपको मैं भी बताना चाह रही हूँ कि देख सकती हैं आप सब कि कितने डिफरेंट डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं। एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, लेट अस टेक डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ की डेटा टाइप क्या होगी? इट वुड बी डेट टाइम, ताकि डेट और टाइम की फॉर्मेट में आपके पास डेटा टाइप आए। अब गर्ल्स आप लोग ये देख सकती हैं कि मैंने एक टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया है। कितने फील्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फील्ड्स का टेबल मैंने बनाया है, और मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को नंबर इसलिए दिया क्योंकि वो नंबर की फॉर्मेट में होता है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने लॉन्ग टेक्स्ट दिया, ताकि अगर लॉन्ग टेक्स्ट हो, नेम जैसा लॉन्ग हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लॉन्ग टेक्स्ट दिया। फ़ोन नंबर इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नंबर, तो मैंने नंबर दिया। क्लास, किस क्लास को वो बिलोंग करता है, FSC, ICS, FA, तो वो शॉर्ट टेक्स्ट की फॉर्म में काफ़ी होगा, इसके लिए हमें लॉन्ग टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मैरिटल स्टेटस के लिए मैंने येस और नो दे दिया है, या लेट्स से हम यहाँ पे इसको सैलरी के लिए मैंने करेंसी दी, क्योंकि सैलरी इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने डेट और टाइम दे दिया है, ताकि जो फॉर्मेट, जिस टेबल, जिसके फ्रेम वे में वो आपसे डेट ले, वो इस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। सो हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, और उस टेबल को नेम भी दे दिया कि इस टेबल का नेम है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, आपको एक की विजिबल हो रही होगी। ये की इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाली फील्ड है, ये आपकी प्राइमरी की है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेबल को क्रिएट करती हैं, तो MS Access फर्स्ट फील्ड को प्राइमरी की कंसीडर करता है, उसको ले लेता है एज अ प्राइमरी की। बट अगर आप चाह रही हैं कि आप किसी और फील्ड को प्राइमरी की बनाएं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाके राइट क्लिक करना होगा, और आप अगर इस प्राइमरी की को यहाँ से देखें, अगर इसको अनसेलेक्ट करती हैं, तो अब आपका वो प्राइमरी की नहीं रही। अब इस पूरे टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं है।
लेकिन इस पूरे टेबल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपकी प्राइमरी की बनती है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से इसको प्राइमरी की सेलेक्ट कर दूँगी। इसी तरह आपके पास एक और ऑप्शन है कि जब आप इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे प्राइमरी की सिलेक्ट हो गया। आप इसको यहाँ से भी अनसेलेक्ट कर सकती हैं और यहाँ से भी फिर से सेलेक्ट कर सकती हैं। प्राइमरी की जो आपकी है रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं चाहती हूँ कि उसकी डेटा टाइप हो ऑटो नंबर, ताकि वो ऑटोमेटिकली नंबर्स को जनरेट कर ले। सो ये हमने क्या किया, हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया और उसमें एक प्राइमरी की को सेट कर दिया, एक फील्ड को प्राइमरी की एज अ प्राइमरी की सेट कर दिया। क्यों? ताकि कोई ऐसे दो स्टूडेंट्स का डाटा एंटर ना हो सके जिनकी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, डुप्लीकेट डाटा एंटर ना हो, रिडंडेंसी आपकी फील्ड्स में ना हो। आपने अपना टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल को नेम दे दिया। अब आप इस टेबल को राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये देखें आप सेव पे जब जाएंगी, सेव पे क्लिक करेंगी तो ये आपका डाटा सेव हो गया है। अब ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आपने इसको सेव कर लिया है तो अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकती, अब आप इसकी डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकती। लेट अस ट्राई। जब आप इसका डाटा एंटर करेंगी तो ये आपको एरर देगा कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि आप इस टेबल को ऑलरेडी सेव कर चुकी थी। अगर आपने डेटा को चेंज किया है तो आपको अपने टेबल को फिर से सेव करना पड़ेगा। ये देखिए उसने आपको कहा है यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, मतलब आपने अब जो चेंजेस की हैं इसके बाद आपको अपने टेबल को सेव करना पड़ेगा, एल्स ऐसी आपकी जो चेंजेस हैं वो नहीं सेव होंगी। क्योंकि लास्ट टाइम जो टेबल सेव हुआ था उसमें लॉन्ग टेक्स्ट था, बट मैं नहीं चेंज करना चाह रही थी तो इसको मैं इसी तरह रहने दूंगी। अगर आप यहाँ से डाटा शीट व्यू पे शिफ्ट करती हैं तो ये देखें आपके पास टेबल बन गया है जिसमें 8 आपके पास ऑलरेडी फील्ड्स अवेलेबल हैं। अब आप इसके अंदर अपने डाटा को एंटर कर सकती हैं तो वो इसके फिर अंदर सारा डाटा आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट। मैंने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को ऑटो नंबर दिया था, उसका मतलब है कि मुझे इसमें डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डाटा को एंटर करेगा। मैं सेकेंड फील्ड पर आऊँगी फर्स्ट नेम पे, फ़ोन नंबर, FSC, पासिंग स्टेटस पास है, टिक कर दिया मैंने। सैलरी कितनी है, लेट्स से 1st May। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास डेट पिकर आ रहा है, अगर आप इसको सेलेक्ट करें तो आपके पास डेट पिकर में आप अपने किसी भी डेट को पिक कर सकती हैं, लेट्स से 17 November 2020। तो ये आपने एक फील्ड का, एक रो का डाटा एंटर कर लिया है। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट का एक रिकॉर्ड पूरा एंटर हो चुका है, ये पूरा एक रिकॉर्ड एंटर कर लिया है आपने। अब देखिए 1 मैंने नहीं एंटर किया था, वो ऑटोमेटिकली नंबर उसने 1 दे दिया है। यहाँ पर मैं 2 एंटर नहीं करूँगी, वो ऑटोमेटिकली इसको डाटा दे देगा। लेट्स से अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई एम एंटरिंग सेकेंड रिकॉर्ड। ओके, अब देखें आपने नंबर की जब लेंथ को ज़्यादा रखा है तो उसने आपको एरर दे दिया है कि आपको विद इन द लिमिट देना होगा। इधर हम 2 को कम कर रहे हैं, 2 नंबर्स को, तो वो आपको अब एरर नहीं देगा क्योंकि अब ये विद इन द रेंज है। उस्मान पास नहीं था इसलिए मैं इसको टिक नहीं कर रही। सैलरी में मैं यहाँ पर दे दूँगी, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ में मैं इनको दे रही हूँ 14। तो इस तरह से मैंने 2 रिकॉर्ड एंटर कर लिए हैं, इसका मतलब है कि 2 स्टूडेंट के डाटा को मैं एंटर कर चुकी हूँ। इसी तरह मैं चाहूँ तो कई यूज़र के डाटा को एंटर कर सकती हूँ। जब आप यस और नो को क्लिक करती हैं तो हमेशा आपके पास चेक बॉक्स आता है, जिससे आप यहाँ पे देखें आपके पास चेक बॉक्स आ रहा है। इसी तरह टेबल में, डिफरेंट टेबल्स में आपके पास मेडिकल स्टेटस होता है तो आप उसको यस और नो कर देती हैं, तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी डाटा टाइप्स हैं, जब हम डेटा टाइप को इन डिटेल पढ़ेंगे तो जो बाकी डेटा टाइप जिनको मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया उनको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम फील्ड को क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, लेकिन ये आपके MS Access की नेक्स्ट लेक्चर पे होगा।
आज के लेक्चर में हमारा एम्फेसिस किस चीज़ पे था कि बेसिकली टेबल क्या है और टेबल की दो मेन पार्ट्स क्या हैं, फील्ड और रिकॉर्ड्स। इसके बाद हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेबल्स क्या हैं, कि हमारे टेबल में हमेशा जो हम वैल्यू एंटर करते हैं दैट शुड बी एटॉमिक। आप देख सकती हैं कि मैंने किसी भी फील्ड में कोई भी दो डाटा को एंटर नहीं किया, आपके हर फील्ड का नेम यूनिक है। इसी तरह आपकी जो रो है उसके भी आपने जो रिकॉर्ड एंटर किया है वो डिस्टिंक्ट है, ऐसा नहीं है कि दो स्टूडेंट्स का सेम रजिस्ट्रेशन नंबर हो। प्राइमरी की इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए हमने सेट कर दी थी। इसके बाद हमने ये देखा कि डिग्री क्या होती है और कार्डिनैलिटी क्या होती है। डिग्री आर द नंबर ऑफ फील्ड्स इन द टेबल एंड कार्डिनैलिटी इज़ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल। लास्टली हमने देखा कि जो दो डिफरेंट व्यूज़ हैं वो कौन से हैं, डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू, और आप एक व्यू से दूसरे व्यू पर कैसे शिफ्ट करती हैं। डिज़ाइन व्यू इज़ फॉर टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल एंड डेटा शीट व्यू इज़ टू एंटर द डेटा इन दैट टेबल। जैसे मैंने अभी आपको शो किया, इसके डिज़ाइन व्यू में मैंने इस टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया था और इसी के डेटा शीट व्यू में मैंने उसके डेटा को एंटर कर लिया है। इसके अलावा हमने टेबल को नेम देना और टेबल को सेव करना भी आज के लेक्चर में देखा है। आई होप दैट टुडेज़ लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। बाकी कल हम इंशाल्लाह आगे से कंटिन्यू करेंगे।